और अब बात एक ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन की जिससे हो रहा है जय श्री राम का उद्घोष। दिल्ली से चली रामायण एक्सप्रेस ने अपना पहला पड़ाव पूरा कर लिया है और अब अयोध्या स्टेशन पर यात्रियों को लेकर ट्रेन पहुंची। तो अयोध्या स्टेशन जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो गया, लेकिन सफर का यह पहला पड़ाव है। अभी रामायण एक्सप्रेस 17 दिन में 7,500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो आइए आपको लेकर चलते हैं रामायण एक्सप्रेस में आध्यात्म के अद्भुत सफर पर। देखिए 17 दिनों में सारे धाम, ट्रेन से बोलो जय श्री राम। पटरी पर दौड़ी रामायण एक्सप्रेस। चलता फिरता घर कई सुविधाओं से लबरेज। अद्भुत सफर दिल्ली टू अयोध्या। भारतीय रेलवे की तरफ से अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को अनूठा तोहफा दिया गया और ये तोहफा है वो एक्सप्रेस ट्रेन जो भक्तों को पूरी सुख सुविधाओं के साथ अयोध्या तक लेकर पहुंची। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस ट्रेन के अंदर की खासियत क्या क्या है। ट्रेन के अंदर आरामदायक कुर्सियां, कुर्सियों के सामने फुट मसाजर, 5-स्टार होटल की सुविधा से लबरेज है। ट्रेन में मौजूद मिनी लाइब्रेरी, इसके साथ ही सुरक्षा गार्ड, इलेक्ट्रॉनिक लॉकर और CCTV की भी सुविधा है। रामायण एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से चलकर के अयोध्या पहुंची है और 132 जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच चुके हैं। हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करने के लिए भी रवाना हो गए हैं। आप ट्रेन की सुविधा को देखिए, ट्रेन में जो सुविधाएं हैं पूरी VIP सुविधा की गई है, जो AC है वो लगाई गई है। आप कुर्सियों को देखिए, पूरी VIP सुविधा है, साथ ही साथ इसमें कैमरे भी लगाए गए हैं, CCTV कैमरे लगाए गए हैं और जो है पूरी सुविधाएं की गई हैं, क्योंकि लेटने की सुविधाएं, अब देखिए सीटों को किस तरह से रखा गया है और यहाँ पे पूरी VIP जो सुविधाएं हैं, साथ ही साथ खाने पीने की भी सुविधाएं हैं और खाने में जो है लहसुन प्याज का भी उपयोग नहीं किया जा रहा है, जो खाने पीने का भी जो चीज़ें हैं उनको भी एकदम शुद्ध रखा गया है। दिल्ली स्टेशन से इस रामायण एक्सप्रेस में कुल मिलाकर 132 यात्री सवार हुए जो अयोध्या स्टेशन पहुंचे। ट्रेन में सवार सभी यात्री राम की भक्ति में रमे नजर आए तो वही रामायण एक्सप्रेस की सुविधाओं से खुश भी नजर आए। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं अवेलेबल हैं, खाने से लेकर और दवाइयों तक की, और कोई सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और खाना भी बहुत बढ़िया है। उत्तम व्यवस्था की गई है, लेकिन राम जी के दर्शन के लिए बहुत अभिलाषा थी, ये हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। दिल्ली से चली रामायण एक्सप्रेस अपने पहले पड़ाव पर पहुंच गए। दिल्ली से अयोध्या पहुंची रामायण एक्सप्रेस, रामायण एक्सप्रेस से अयोध्या पहुंची 132 यात्री। 17 दिनों की होगी ये पूरी आध्यात्मिक यात्रा। श्री राम जन्मभूमि हनुमान मंदिर के करेंगे दर्शन, नंदीग्राम में भरत मंदिर का श्रद्धालु करेंगे दर्शन। अयोध्या से इन धार्मिक स्थलों पर यात्रियों को बसों से ले जाया जाएगा। भरत मंदिर के साथ साथ कई और मंदिरों के दर्शन कराए जाएंगे। श्रद्धालु करेंगे सीतामढ़ी के दर्शन पूजन। नेपाल के जनकपुर में बने राम जानकी मंदिर पहुंचेगी ट्रेन। नेपाल से वाराणसी पहुंचेगी रामायण एक्सप्रेस। काशी से चित्रकूट के लिए रवाना होंगे श्रद्धालु। चित्रकूट से नासिक पहुंचेगी रामायण एक्सप्रेस। इस तरह से कुल मिलाकर 7,500 किलोमीटर के सफर का आखिरी पड़ाव रामेश्वरम होगा, जहां श्रद्धालु धनुषकोटी का दर्शन कर वापस लौटेंगे। लेकिन इन 17 दिनों के सफर का उत्साह यात्रियों में देखते ही बन रहा है, जो पूरी तरह से भक्ति में रमे नजर आए। AVP गंगा के लिए अयोध्या से ऋषि गुप्ता की रिपोर्ट।